आज बनाते हैं आलू चिकन। कुछ समझ नहीं आती डेली क्या बनाए, तो इसको जो है पानी में भिगोते हैं और आलू चिकन बनाते हैं। आइजा टीवी की वॉल्यूम कम करो, अजान हो रही है। बच्चों के कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, स्कूल से आने वाले हैं, और ये उनके कपड़े निकाल रही हूँ। ये मोटे कपड़े हैं, कुछ ज़्यादा ही मोटे कपड़े हैं, क्योंकि अब मौसम चेंज हो चुका है, तो इस वजह से ये कपड़े इनका मैं थैला बना के ना तो ऊपर स्टोर में रख दूँगी। जो जो भी मुझे मिल रहा है वो मैं एक साइड पर करती जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब खैर खैरियत होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी जहाँ से मुझे देख रहा है सुन रहा है, अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफाजत में रखे, बहुत सी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। उसके साथ साथ आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नहीं हो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी मैं जाने लगी हूँ, ये जो जूते हैं बच्चों के टूटे हुए हैं, और ये जा रही हूँ सही करवाने के लिए। अब हाथ आके दूँगी, अब ये ना करें। और ये दो ना, और आके आप लोगों से मुलाकात होती है। बल्कि कारी साहब आ गए, तो कारी साहब से पढ़ लेना, ठीक है? अनाया सुन रही हो? हम सिर्फ 5 मिनट में अच्छा, वीडियो में मैं आपको जुम्मा मुबारक कहना तो भूल गई। आप सब लोग को मेरी तरफ से बहुत 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 जुम्मा मुबारक हो, और जुम्मा के सदके अल्लाह ताला आप सबकी परेशानी मुसीबतें दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा, आप सब लोग के लिए बहुत सारी दुआएँ। और अभी जो है मैं जा रही हूँ बच्चों के जूते रिपेयर करवाने के लिए, टूट के हुए थे। और मैंने सोचा कि पहले मैंने सोचा मैं नए ले लेती हूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी पूरी गर्मियाँ पड़ी हैं, अभी तो बड़ी जूतियाँ टूटनी है, बड़ा कुछ होना है, तो अभी इनको सही करवा लेते हैं। और प्रॉपर गर्मियाँ नहीं आई, और सिर्फ 40 रुपये में चप्पल जूतियाँ इनकी सही हो गई थी, तो मैंने ज़रूर नहीं लेनी थी। कभी कभी कंजूसी कर लेनी चाहिए, और कंजूसी ही क्या मतलब सोच समझ के घर चलना चाहिए, मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए, कंजूसी की बात नहीं है, मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। और वैसे भी मैं आज इतनी थक गई थी, तो आप लोग भी थक गए होंगे मेरी रूटीन में सुन सुन के, थक गई थक गई थक गई, लेकिन सच में मैं आज थक गई थी। तो क्या करें, औरत को जब खुद ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं, बाहर के काम भी करने पड़ते हैं, घर के भी करने पड़ते हैं, तो फिर औरत थक जाती है। ऐसे कभी कुछ मर्द भी ऐसे हैं जिनको घर के काम भी करने पड़ते हैं और बाहर के भी करते हैं करने पड़ते हैं, और लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको मर्द बनना पड़ता है। तो समझे कि बस आज कल मैं पूरी मर्द औरत दोनों बनी हुई हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जी हमारे जो जूते हैं 40 रुपये में ठीक हो गया। अच्छा, आज मैंने पूरा व्लॉग जो था ना पूरा अपनी वो वॉइस के साथ किया था, ताकि मुझे वॉइस ओवर ना करनी पड़े, लेकिन फिर अंदर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई पी पा पा, कोई शोर शराबा, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, वैसे भी हर काम शुरू से हम ट्रेन थोड़ी होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग हो जाती है। और यहाँ पे बच्चे जो है वो जीजी ले रहे हैं, ये भी मेरे घर के पास एक शॉप है जहाँ पर एक आंटी ने शॉप लगाई हुई है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं इनसे ही बच्चों को चीज़ ले कर दूँ, जो भी बच्चे जो भी मतलब थोड़ा बहुत बच्चे लेते हैं वो यहाँ से लेके दूँ। तो एनीवेज यहाँ से बच्चों ने कुछ चीज़ें उठाई थी, और यहाँ पे मैं एक बिस्किट देख रही हूँ को कैनिया का, मुझे बहुत पसंद है, 10 रुपीज़ का आता है और मुझे बहुत पसंद है। खैर फाइनली हमारे जो बाहर के काम थे वो ख़त्म हो गए और चल पड़े हैं। और यहाँ पे मैंने ली है कैल्शियम की टेबलेट भी ली है, क्योंकि मेरे हाथों के जो जोड़ है ना इस कदर दर्द करते हैं, और आजकल जो पाँव के जोड़ है ना, लेफ़्ट पाँव जो है उसका जो जोड़ है ना ऊपर से, वो इतना दर्द करता है, इतना दर्द करता है कि मुझे ना थकन की वजह से रात में नींद नहीं आती। यकीन करें मैं सारी रात जो है ना करवटें बदल बदलते रहे सारी रात, हम तो वाली बात है वो सारी रात जो है ना इस तरह गुजर जाती है। अच्छा, आज मौसम इतना अच्छा हुआ है ना, मेरा ख्याल है कि मैंने सुना पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, और यहाँ पे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे सैड ठंड भी लग रही है, हालाँकि मैंने स्वेटर पहना हुआ है लेकिन ठंड लग रही है। और जो बच्चे हैं रूम में कमरों में ठंड नहीं इतनी लग रही जितनी ऊपर लग रही है, शायद ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ पे जो है अहमद जो है वो बैठा हुआ है, और अहमद जो बिल्कुल भी, उसको मैं कह रही थी चलाओ कटिंग करवाने के लिए चलते हैं, वो कह रहा है मैंने नहीं करवाने, मेरा दोस्त है उसने बहुत बड़े बाल रखे हैं, और अभी आपने देखे होंगे उसके कितने गंदे और बड़े बाल हुए हैं, वो कटिंग ही नहीं करवा रहा, इतने टाइम से कटिंग ही नहीं करवा रहा। और मैं उसको कह रही थी उठो, अच्छे बच्चे होते हैं, अहमद तो गुड बॉय है, ये है वो है, मैं उसको बड़े मस्के लाले पापे लगा रही थी लेकिन वो नहीं उठ रहा था। और यहाँ पर अनाया और आयतल के मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, जुम्मा था और जुम्मा को हर फ्राइडे को मैं इनको जो है वो नहलाती हूँ, सुन्नत भी है कि जुम्मे को गुसल करना नहाना सुन्नत होता है, तो मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, सुरमा लगाना, नेल कट करना, ये सब मैं अपने बच्चों को बताती हूँ।
और जुम्मे वाले दिन हमारे घर में ऐसा रोला होता है, खाना भी लेट होता है और ऐसा होता है जैसे ईद होती है माशाल्लाह से। और जुम्मे को फिर इतने काम होते हैं ना, तो यहाँ पे महमद को फाइनली मैंने जो है ना कैच कर लिया और मैंने बोला चलो कटिंग करवाने चले। और पूरे रास्ते में मेरे साथ लड़ाई कर रहा था, इसको पता चला मैंने कैमरा ऑन किया तो कह रहा था मामा कैमरा बंद कर दे, कैमरा बंद कर दे। और मैंने फिर उसका फ्लैश ऑफ़ कर दिया, फ्लैश जो था वो तो ऑफ़ होता ही है घर से बाहर जब मैं निकलती हूँ, तो मैंने कहा ये देखो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो खैर यहाँ पर थोड़ी सी जी बेटे अभी अहमद का नाम लिया और अहमद ने मुझे आवाज़ लगा दी, तो यहाँ पे फाइनली जो है ना जी बेटे बस बस एक सेकंड ठहरो, बस एक सेकंड ठहरे में आई अभी आई है जी। ये भी देखें ये भी बारबर शॉप जो है वो मेरे घर के ये भी पास है। और ये ना समझना कि ये अहमद मोटरसाइकिल पे आया, मैं मोटरसाइकिल पे आई, ऐसा कुछ नहीं, किसी की मोटरसाइकिल थी और अंदर जो थे ना कुछ अंकल थे, कुछ लड़के थे, इस वजह से हम फिर वापस आ गए। और वो भाई ने बोला कि आप ही अभी लड़के हैं तो मुनासिब नहीं, आप थोड़ी देर बाद आ जाइएगा। वो अपना ही मतलब कह ले बच्चा अच्छा बच्चा। और मैं अक्सर अहमद की कटिंग करवाने जाती हूँ और जल्दी में फिर मैं इतनी थक गई थी। पहले मैंने सोचा स्टार्ट में जैसे आपने देखा आलू चिकन, मैंने कहा आलू चिकन ही बना लेती हूँ, लेकिन मैं इतनी थक गई थी थक के मैं चूर हो गई थी। मैंने कहा चलो मटर पड़े हुए हैं इनको जो है ना पील करके नया इतना ही फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो मटर पुलाव बना लेते हैं, फटाफट जान छूटेगी काम से आज तो। बस मैं कह रही थी मैं इतना हर काम शुरू करके पछता रही थी, हाय मैंने कपड़े भी क्यों धोए, वो मैंने आपको नहीं दिखाया कि आप लोग रोज़ मेरे कपड़ों से तंग आ गए होंगे कि बार बार इस बाजी दे ही कपड़े वेह वेह के तंग आ गए। मैं इतनी थक गई थी ना, और मैं सच्ची खैर एनीवेज आज मैं जिस चैनल को हम लोग सपोर्ट करेंगे ना प्लीज़ उनका जो है ना ये स्क्रीनशॉट सामने देख सकते हैं, हो सकता है ये सर्च में ना आए तो इनका जो लिंक है कम्युनिटी पे होगा, तो आप लोग सब सपोर्ट करें प्लीज़, एक दूसरे को सपोर्ट करें और वीडियो को फुल देखा करें, वीडियो को फुल एंड तक देखा करें। और कोई गलती कोताही हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अभी मुझे बहुत भूख लगी हुई है, सुबह से मैं काम कर रही हूँ और यहाँ पे 4:45 का टाइम हो गया और अब मेरा दिल घबरा रहा है, मैं थोड़े से चावल खाने लगी हूँ जिससे मेरा फुल बटा फुल काम पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। और कोई दही कुछ भी नहीं साथ, रायता वगैरह, और मैं ऐसे ही खाऊँगी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। फुल बटा फुल मैं आपको आज आपको दिखा सकूं कि मेरे अंदर क्या फीलिंग्स हो रही हैं, जिसम काम पर है बड़ा। मैं थक जाती हूँ, सारे काम खुद करने पड़ते हैं।